एक 2014 टोयोटा फॉर्च्यूनर एटी ए टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ मेरी मुठभेड़ का एक विवरण है, जिसमें 2014 टोयोटा फॉर्च्यूनर एटी के कुछ बारीक बिंदुओं को प्रदर्शित किया गया है। परिचय विस्तारित वार्टी के इस युग में एक जानवर मौजूद है जो बिना वार्टी नीति के चल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका नाम ही गांटी है। यह टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ मेरी मुठभेड़ का एक विवरण है, जिसमें 2014 टोयोटा फॉर्च्यूनर एटी के कुछ बारीक बिंदुओं को प्रदर्शित किया गया है। मैं पिछले 3 वर्षों से इस कार की निगरानी कर रहा हूँ, लेकिन रखरखाव में कभी शामिल नहीं हुआ। कारण, फॉर्च्यूनर को मुश्किल से किसी रखरखाव की जरूरत है। इन पोस्टों के पीछे का उद्देश्य इस कार के गुणों, प्रसिद्ध टोयोटा गुणवत्ता को प्रदर्शित करना है और पाठकों को यह समझने में मदद करना है कि 2014 की टोयोटा फॉर्च्यूनर एटी कैसी दिखती है। हाय हैंसम, टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ मेरा अब तक का सामना। टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ मेरी पहली मुठभेड़ 2014 के अंत में हुई थी, जब मैंने 2012 की फॉर्च्यूनर 4x2 चार्ट स्पीड 80 का परीक्षण किया था। वो टोयोटा का टेस्ट ड्राइव वाहन था। संभावित मालिक एक स्वचालित चाहता था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 5 स्पीड 80 परीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं था। परीक्षण ड्राइव एक रहस्य उद्घाटन था। रेशम स्टीयरिंग के रूप में चिकना और कुछ संकरी गलियों के माध्यम से भी ड्राइव करना आसान है। इसके बाद 2016 की शुरुआत में मैंने 2009 की ब्लैक फॉर्च्यूनर का परीक्षण किया, जिसकी कीमत लगभग थी ओडो पर 1,40,000 किमी। यह एक 2007 कैमरी के लिए एक संभावित प्रतिस्थापन माना जाता था, लेकिन मैंने अपने दोस्त को आगे बढ़ने से मना कर दिया क्योंकि मैं कार से केवल आधा संतुष्ट था, साथ ही उसका ड्राइविंग कौशल और दृष्टि बहुत अधिक साबित हुई होगी। उसे इस कार के साथ कुछ समय बाद उसी वर्ष मैंने 2012 के एक पूर्व स्वामित्व वाली फॉर्च्यूनर 4x280 का परीक्षण किया, जो ओडो पर 1,50,000 किमी से अधिक थी। मेरे किसी परिचित के लिए इसका मूल्यांकन किया जा रहा था। कार अच्छी थी प्रथम दृष्टया, लेकिन चमड़े की सीटों को 8 लेदर सीट कवर के साथ मुखौटा किया गया था और टायर एक बड़ा रैकेट बना रहे थे। कार की कीमत काफी प्रतिस्पर्धी रूप से लगभग थी, 14 लाख भारतीय रुपए दोषों के कारण, लेकिन अंततः सौदा नहीं हुआ। फिर 2017 के अंत में वाइट में समाप्त एक 2010 फॉर्च्यूनर वर्षगांठ संस्करण आया, जिसे एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट विशेषज्ञ खरीदने पर विचार कर रहा था। यह देखने में आकर्षक था और ओडो पर 89,000 किलोमीटर के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों शीशों पर बिजली वापस लेने योग्य विशेषताएं काम नहीं कर रही थी। ड्राइवर की सीट के किनारे का चमड़ा निकल गया था, लेकिन कार शानदार ढंग से चलती थी। मैंने इस गाड़ी को जनवरी 2018 में 750 किलोमीटर के चक्कर पर भी लिया था और उस यात्रा पर एक फॉर्च्यूनर में माल और बुराइयों का एहसास हुआ। बल वाइट में 2010 वर्षगांठ संस्करण फॉर्च्यूनर निर्मित केवल 250 इकाइयों में से एक 2010 के फॉर्च्यूनर को 750 किलोमीटर से अधिक चलाने पर प्रारंभिक प्रभाव महान घने यातायात के माध्यम से आसानी से नेविगेट करने योग्य ड्राइवर मुझे एक मालिक की तरह लगा। सटीक लेकिन गियर के लंबे त्रु, आरामदायक सामने की सीटें, एक एयरकॉन का चिलर, सरल फिर भी कार्यात्मक डैश, एक तंग इंडोर स्लॉट में पार्किंग, एक हवा थी, अविश्वसनीय डेंसो स्टॉक हॉर्न मधुर लगते हैं, फिर भी सड़क उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देते हैं कि एक टोयोटा आ रही है। ये सीन चलते रहते हैं और चलते रहते हैं। बुरा दयनीय ब्रेक कैलिपर्स को बड़े आकार में अपग्रेड किया गया था, लेकिन ब्रेक अभी भी इस दिग्गज के लिए बिल्कुल अपर्याप्त साबित हुए। कई मौकों पर मैंने वाहन के रुकने की दूरी को गलत समझा और परिणाम स्वरूप यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। गैर राजमार्ग प्रकार की सड़कों पर ऊबड़ खाबड़ सवारी, ऊंची मंजिल,
दूसरी और तीसरी पंक्ति के यात्रियों के बैठने में असहजता बिना हंगामे के तंग पार्किंग में फंसी। फॉर्चुनर।